पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं अपने फ्रेंड महेश के साथ कोकन राइड पे गया था। तो कोकन राइड पे जाते समय हमें काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे खराब रास्ते, बारिश या और भी कई सारी तकलीफें हुई। उसके बाद हमने घर पे जाके गणपति की स्थापना की। इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मेरे घर की आरती दिखाऊंगा, मैं आपको मेरा घर दिखाऊंगा या और भी ढेर सारी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आप एंटरटेन होते रहे, एंजॉय करते रहे। अब आगे गुड मॉर्निंग गाइस, ये एक और सुनहरा दिन कोकण में। तो यहाँ पे ट्रेन का साउंड आ रहा है क्योंकि ट्रेन यहाँ पे नज़दीक से ही जाती है, ये गोवा के लिए ट्रेन जाती है। तो देखिए मेरे पीछे ये पेड़ है, सुबह आज अगर सुबह अगर आप देखते ना तो इन पेड़ पे बहुत सारे फूल आए थे, ऐसे बड़े बड़े फूल। तो यहाँ पे है वैसे छोटे छोटे फूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आज सुबह ना इतने बड़े बड़े फूल आए थे, इतने बड़े बड़े। अभी ना गाइस मैं आपको अपनी फैमिली के सबसे ज़्यादा स्पेशल मेंबर से मिलवाने जा रहा हूँ। रुकिए मैं उसको लेके आता हूँ, आप यहीं पे रुकिए। तो गाइस अगर मैं गुनू की बात करूँ तो गुनू हमारे फैमिली का सबसे स्पेशल मेंबर है, सबसे स्पेशल। उसको अभी 3 साल हो गए, 3 साल का हो चुका है। वो 3 साल तक वो पुणे में ही था। फर्स्ट टाइम मैं उसको लेके आया हूँ यहाँ पे कोकण में, और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। हाँ वैसे उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि उसको एक्वेरियम में रहने की आदत है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिचुएशंस काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी गाइज वो एंजॉय कर रहा है काफ़ी अच्छे से। वैसे गुनू एक रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है। रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स को सिंगापुरियन टर्टल्स या फिर एक दो और नामों से जाना जाता है। और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छे पेट होते हैं ये लोग। हाँ लेकिन अगर आप कोई इंडियन टर्टल अगर आप आपके पास है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन टर्टल्स अलाउ नहीं है इंडिया में, वो बैन है। तो अभी टाइम हो चुका है आरती का, तो चलिए पापा की आरती करते हैं। 3, 2, 1, बूम। गणपति बप्पा बोलिया। तो आरती काफी लंबी चली, आधे घंटे तक कंटिन्यूअसली रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, आधे घंटे तक आरती चली। तो जैसा कि मैंने आपसे पार्ट वन में कहा था कि मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, तो ये रहा मेरा घर, छोटा सा मेरा गरीब खाना। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। वैसे मेरा ये घर है एक गांव में, महाड़ महाड़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में। तो अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ से अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो ये है मेरा घर, और वो खड़ी है मेरी बाइक, मेरी बजाज पल्सर 200 NS, माई लव। अब कोई ये मत पूछना कि ये साइड और ये साइड की टाइल्स अलग अलग क्यों है, या ये साइड का पेंट या फिर वो साइड का पेंट अलग अलग क्यों है। एक्चुअली मेरे घर पे चलता रहता है क्लैश ऑफ क्लैंस, सो हर घर पे रहता है। ये अपने भगवान का घर है, भगवान का रूम, और ये है घर पूरा, ये पूरा अपना घर है। और वो रही मेरी मम्मा, ये। तो अब तक सब कुछ सही चल रहा था, सही चल रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था, लेकिन उतने में आ गई बारिश। मतलब बारिश तो हर किसी को पसंद है, लेकिन जब ऑफिस जाने के टाइम पे बारिश आती है ना तो दिमाग खराब होता है। अभी तो मुझे कहीं ऑफिस नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तो मैं बाहर बैठूंगा और बारिश को मस्त एंजॉय करूंगा घंटों तक। चलो बाहर चलते हैं।